हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। बिना चीनी बिना गुड़ के पौष्टिक अलसी की लड्डू बनाएं और सर्दी भर खाएं। ये खाने में लाजवाब होता है, झटपट बन भी जाता है। कमर दर्द घुटने दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह आप बना कर रख लेंगे तो कई महीने तक आप खा सकते हैं। एयरटाइट डब्बे में आप भर कर स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये अलसी के लड्डू कैसे बनते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आधा किलो अलसी लिए हैं, इसे तीसी भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे तीसी ही कहते हैं यूपी में, और आपके यहाँ क्या कहते हैं। इस तीसी को हम अच्छे से साफ कर लिए हैं, धूप भी दिखा दिए थे। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए। जब कढ़ाई गर्म हो गया तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिए। आधे तीसी को डाल दिए हैं और बराबर चलाते हुए 5-6 मिनट तक इसको भून लेंगे। दो बैच में भूनेंगे। आसानी से ये बहुत आराम से भून जाता है। इसको छोड़ना नहीं है, बस बराबर चलाते हुए भूनना है। जब अलसी अच्छे से भून जाता है तो इसमें चटचट की आवाज़ भी आती है। ये भी पहचान है कि अलसी भून गया है। दूसरा पहचान है कि अलसी फूल जाता है। और तीसरा इसका पहचान ये है कि जब इसे हम दबाएंगे तो ये दबता है। तो इस तरह से देखिए, बराबर चलाते हुए हम अलसी को भून ले रहे हैं। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गैस का फ्लेम हाई भी नहीं रखेंगे और लो भी नहीं रखेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर इसको हमें भून लेना है। देखिए ये भून गया है अच्छे से। अब एक अलसी हाथ में लेके इस तरह से दबा रहे हैं तो दब भी रहा है, और नाखून से इसे हम काट रहे हैं तो कट भी रहा है। थोड़ी देर में अलसी भून के रेडी हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह जो अलसी बचे हुए हैं इन्हें भी हम भून लेंगे। आप दो बैच या तीन बैच में भून लीजिए तो अच्छे से ये फूल के भून जाता है। दोनों बैच का अलसी भून गया है। इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिए और कढ़ाई में 3 टेबल स्पून हम घी डाल देते हैं। घी देसी डालिएगा, देसी घी हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। 100 ग्राम गोंद लिए हैं। गैस का फ्लेम हाई रखे हैं, पूरे गोंद को डाल दिए हैं। अब बराबर चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसको हमें भून लेना है। गोंद अच्छे से फूल जाते हैं, देखिए लावा की तरह इस तरह से ये फ्राई हो गए हैं। और जब ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से तो ज़्यादा भी हो गए हैं। देखिए पूरा लावा की तरह खिला खिला गोंद फ्राई हो गया है। गैस का फ्लेम हाई ही रखिएगा, तब अच्छे से ये फूलेगा। गोंद कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसका अपना ही एक ताकत होता है। गोंद फ्राई हो गया है, अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए सभी गोंद एक साथ फ्राई हो गए। अगर ज़्यादा रहे तो 2 बैच में 3 बैच में फ्राई करिए। उसी कढ़ाई में हम 3-4 चम्मच देसी घी डाल दिए। छोटी कटोरी से 1 कटोरी बादाम डाल दिए, 1 कटोरी काजू डाल दिए, 1 कटोरी पिस्ता डाल दिए, 1 कटोरी भर के लावा डाल दिए। इन सब चीज़ों को बराबर चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाले हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी घी डाल सकते हैं। 2-3 मिनट तक सभी चीज़ों को जब रोस्ट कर लिए तो इसमें 1 कटोरी किशमिश को भी डाल दिए। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। आप चाहें तो गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। कौन सा ड्राई फ्रूट डालना है इसका कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट देखिए फ्राई हो गए हैं 3-4 मिनट में। इन्हें हम प्लेट में निकाल लिए हैं, इन्हें भी अभी साइड में रख देते हैं और ठंडा हो जाएंगे ये। देखिए अलसी को रखे हुए थोड़ा देर हो गया है, ये ठंडा हो गया है। अब मिक्सर जार ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हमें पीस लेना है। 1 बैच में 2 बैच में 3 बैच में जैसे आपका मिक्सर जार बड़ा छोटा रहे उस हिसाब से ये पीस जाता है। बहुत ज़्यादा डाल के नहीं पीसना है। आधा से ज़्यादा हम बचा लिए हैं अलसी और आधा से कम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लिए हैं। देखिए दरदरा सा पीसे हैं, आप चाहें तो हल्का दरदरा रखिए या तो फिर बारीक कर सकते हैं। इसी तरह सभी अलसी को पीस के रेडी कर लिए हैं। अब जो हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखे हैं इन्हें भी मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट के डालिए या तो दरदरा सा पीस के डालिए, वो आपकी मर्जी।
देखिए ड्राई फ्रूट्स को भी हम दरदरा सा पीस लिए हैं। आप जैसे पसंद करें पीस के या काट के आप अपने हिसाब से डालिएगा। 350 ग्राम खजूर लिए हैं, खजूर को काट के इसका बीज हटा दिए हैं। अच्छा वाला खजूर लीजिएगा, बहुत ताकतवर होता है खजूर भी और बहुत टेस्टी भी होता है। इसे भी मिक्सर जार में डाल के इसे भी हम पीस लिए हैं। गोंद को भी हम जो फ्राई करके रखे थे, चाहे तो गिलास या कटोरी से दबा के इसे तोड़ लीजिए या तो मिक्सर जार में डाल के, और नहीं तो इस तरह हाथ से आप चूर कर सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से हाथ से ये चूर हो जा रहा है। सभी गोंद को हम चूर कर लिए हैं। ये भी ददरा सा ही चूर किए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। पिसी हुई अलसी में हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। अब इसमें गोंद को भी डाल देते हैं जो कि हम हाथ से मसल के रखे हैं। अब खजूर को भी डाल देंगे क्योंकि बगैर चीनी गुड़ का हम बना रहे हैं। खजूर डालने से अलसी के लड्डू और टेस्टी हो जाते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब ताकतवर हैं। बादाम भी ताकतवर होता है, काजू भी होता है। अब इसमें हम देसी घी आधा कटोरी छोटी कटोरी से गरम करके डाल दिए हैं, हल्का गरम। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, आप चाहे तो चम्मच से मिला लीजिए। इस तरह से देखिए हम हाथ से दबा दबा के मिक्स कर ले रहे हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से हाथ में ले लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा लड्डू बना सकते हैं या छोटा लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से देखिए इसको दबा दबा के हम बनाएंगे। एक लड्डू बना के दिखा दिए, इसी तरह सभी लड्डू को बना के रख लेना है। बहुत समय नहीं लेता है, झटपट लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। अलसी के लड्डू खाने के लिए रेडी हैं। ठंडी का मौसम आ गया है तो इस तरह से हेल्दी टेस्टी अलसी के लड्डू आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।